नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा कि आप सब ठीक होंगे एंड अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे एंड जो भी आपने एग्ज़ाम दिए हैं वो अच्छे से हो गए होंगे। तो अभी कुछ आरटीआई लगाई थी, कुछ का रिप्लाई आ गया था डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज के लिए एंड कुछ का रिप्लाई अभी आया है पिछले एक दो दिन में। तो एग्ज़ाम था कल मेरा सीजीएल 2022 का मेन्स, तो उस वजह से वीडियो नहीं आई थी। तो भी ये वीडियो है आपके लिए, सारी आरटीआई के रिप्लाई है इस पर। तो WR रीजन से आरटीआई लगाई थी, इसमें उस टाइम पे DV की डेट्स नहीं आई थी तो वो भी मैंने क्वेश्चन इसमें डाला था। तो इसमें जो रिप्लाई है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, साथ ही आपके जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनकी जो रिप्लाईज आए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक दो रीजन में थोड़ा अलग रिप्लाई आया है WR में फिर से, एंड ये है ओवरऑल आई थिंक, ये हमारा फिर से वेस्टर्न रीजन और ये है KKR रीजन। तो इसमें KKR रीजन में इन्होंने बताया कि DV शेड्यूल है 2 मार्च तक ख़त्म हो गया आपका 25 फरवरी से, तो इन्होंने अब रिप्लाई दिया है 2 मार्च को, ठीक है। हालांकि वो पहले ही आपका आ गया था वेबसाइट पे इनके और आपका DV भी हो गया है अभी। ये NR का है, NR में इन्होंने बोला है कि पॉइंट नंबर 1 एंड 2 की जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए भी कुछ अपील लगाएंगे, देखते हैं। एंड सेम इन्होंने ये दिया कि DV कंप्लीट हो चुका है, भाई DV तो कंप्लीट हो ही चुका है, वही पता है कि जल्दी आपने रिप्लाई दे दिया है। एंड ये है आपकी SR रीजन की, तमिलनाडु तेलंगाना आंध्र प्रदेश एंड पुडुचेरी के लिए जो आपके वैकेंसीज अवेलेबल है, ठीक है। तो RTI के रिप्लाई आए हैं तो वो रिप्लाई देखते हैं फटाक से, जो भी PDFs हैं हमारे पास अवेलेबल। NER की, MPR की एंड KKR की मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है टेलीग्राम ग्रुप में भी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इनका PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, हमारे गुरुजी का स्कूल का जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। ये SSC MTS 2021 एंड 2022 की वैकेंसीज हैं साउदर्न रीजन में, आंध्र प्रदेश में 18 to 25 एज ग्रुप में, ठीक है। ये 66 अवेलेबल है, कैटेगरी वाइज इसमें नहीं है, वो सेपरेट PDF है, वो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। एंड तेलंगाना में 18 to 25 एज ग्रुप में 88 है। अगर कि टेंटेटिव वैकेंसी से डिफर कर रहे हैं तो आप मैच कर लेना इसमें। एंड बात करें आगे, तमिलनाडु में मेन आपका PCCIT तमिलनाडु मतलब चेन्नई जो है उसमें आपकी 350 वैकेंसी है, टोटल आपकी 454, ठीक है, 18 to 25 एज ग्रुप में। एंड पुडुचेरी में आपकी 3 वैकेंसीज हैं, जिसमें CGA में एंड नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में है। ऑल इंडिया जो स्टेट कोड है 18 to 27 एज ग्रुप में आपका, ठीक है। आपका DGPM में है आपकी 4 वैकेंसीज न्यू दिल्ली में, इनका हेडक्वार्टर इसलिए न्यू दिल्ली शो किया है। एंड पोस्टिंग आपकी ऑल ओवर द इंडिया कहीं पे भी हो सकती है, क्योंकि DGPM आपकी डायरेक्ट्रेट्स है वो ऑल ओवर द इंडिया कई जगह पे है, ठीक है। आपके NIC में है 2 वैकेंसीज आपकी, आंध्र प्रदेश में 18 to 27 एज ग्रुप में, ठीक है। पुडुचेरी में 2 वैकेंसीज, इसी तरह आपकी तमिलनाडु में 16 वैकेंसीज। अभी हम डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज देख रहे थे जो कि 2021 के लिए अवेलेबल है। एंड ये रही आपकी डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज, ठीक है। और कैटेगरी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज तो है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपकी जो 2021 के लिए अवेलेबल है, 2022 के लिए अवेलेबल नहीं है। तो जैसे 2022 के लिए अवेलेबल होती हैं नॉर्दर्न रीजन या आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन और आपका ER रीजन, इनकी आपकी RTI रिप्लाईज नहीं आई है वैकेंसीज के लिए। बाकी जैसे ही आपकी RTI रिप्लाई आती है या जैसे अवेलेबल होती है इन्फॉर्मेशन वो भी हम शेयर कर देंगे, ठीक है। ये PDF आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज अवेलेबल हैं, साथ ही हमारे महाराष्ट्र में जो वैकेंसीज अवेलेबल है वो भी देख सकते हैं, मतलब कि WR में गोवा गुजरात महाराष्ट्र, ठीक है। ये टोटल वैकेंसी है 2021 की 6051 एंड फिर वो आपके डिपार्टमेंट वाइज भी दिया इन्होंने, महाराष्ट्र में कितना है, ठीक है, 426, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ये 18 to 25 एज ग्रुप में, देन आपका महाराष्ट्र के बाद में दिया होगा। सेम ये एक ही PDF आगे सेपरेट होके आया हुआ है, इसमें अदर कैटेगरीज है। देन ये आपका गुजरात का है 18 to 25 एज ग्रुप में 202 वैकेंसीज, इसमें कुछ कॉलम आपके, ठीक है, यहाँ पे आगे हो गए सेपरेट, इन्होंने ठीक से पेज ब्रेक नहीं किया है। तो गोवा में वैकेंसीज जो है अवेलेबल एंड सारी वैकेंसीज हैं, ये थोड़ा PDF मैनेजमेंट इन्होंने ठीक से नहीं किया है।
तो आप देख लें, टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। तो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ खास है नहीं है, आशा कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा CGL का, एंड जिनके भी एग्ज़ाम अभी बचे हैं तो उनका एग्ज़ाम भी अच्छे से हो, ठीक है। आज आपका पेपर 2 एंड पेपर 3 हुआ होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक एंड शेयर जरूर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, एक ज्वाइन बटन भी है अगर आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। 29 से आपकी मेंबरशिप स्टार्ट हो रही है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसके पर्क्स रहेंगे, टाइम आने पर वो पर्क्स का आप फ़ायदा भी उठा पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।